मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज के व्लॉग की अगर बात करेंगे तो आज के व्लॉग जो है शूट कर रहा हूँ सुबह के 10:30 बजे से। तो अभी अभी जो है पशु जो है हमने निकाल दिए हैं बाहर, क्योंकि धुंध बहुत है लेकिन धूप निकलने का नाम नहीं ले रही, और वो थोड़ा थोड़ा जो है सूर्य देवता जी दर्शन दे रहे हैं। तो पशुओं के लिए अब रमना करेगी काम और मैं निकल रहा हूँ घर से बाहर। जो है खेड़ना शुरू हो चुकी है, तो अब इसका जो है रुई बन जाएगी जोत के लिए। ये देखिए शुद्ध होती है ना पूरी। ठंड जो है, ठंड के मारे बहुत इकट्ठे इकट्ठे हो रखे हैं ना सभी बंदे, तो आज कोई चहल पहल नहीं है गांव में भी, लेकिन चलो घंटे भर में जो है चहल पहल लग जाएगी। और वैसे भी जो कि हमारे राकेश जी हैं ना, तो वो सेना से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनका फंक्शन जो है रिटायरमेंट का फंक्शन भी रखा हुआ हमारे, पूजा कर रहे हैं तुलसी माता की, सूर्यदेव को प्रणाम कर रहे हैं। मास्टर जी राम राम। ठीक ठाक है? हाँ जी, हाँ जी, चली पिया जी, चली पिया जी। कितना कुछ कमार जल्दी है बसा नहीं अभी तक, अभी हल तक नहीं चल रही बसा, अले लड़ता हाल जी। हाँ जी, हाँ जी, सारे परेशान हो गए, सारे परेशान हो गए जी। तो इनके भी चलो अच्छी हुआ है बेचारों की, सुबह सुबह जो है उठकर अपना पूरा स्वयं काम करते हैं। और दोस्तों काम तो करना भी चाहिए अपना, जो भी काम होता है। तेल की बड़ी हाहाकार मची हुई है गाड़ियों के लिए ना, तो कल मैं भी गया था तो मेरे को भी 1 ही लीटर दिया उन्होंने तेल, और बोतल में तेल नहीं देते हैं। केस के घर में काम, देखिए डेकोरेशन का, तो इसको भी कवर करूंगा मैं आगे जाके घर में, लेकिन अभी तक जब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से घर से, और यहाँ इस घर में तो शादी आएगी। मैं यहाँ से जा रहा था अपने काम के लिए, तो हमारे साहब जी ने, बड़े भाई ने आवाज़ लगाई कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला भाई मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। भाई साहब जी आज छुट्टी जाना कि, कितने बजे छुट्टी कर लेंगे भाई हैं? तो दोस्तों देखिए भाई जी बोल रहे हैं कि छुट्टी कर लेंगे आज। देखिए टोलू चाचू जी हैं बिल्कुल, आज मेरे को मारा पड़ गए थे बोल जबरदस्ती कैसे उन्हें हटते मिंजे दो तीन चाचू हुए। क्या करना, क्या बोलिया, दिमाग आ गया भाई क्या तो तेरा खराब है काम चाचू बाई गोड़ से, तो आसा ना पहले गाली दो मारा बाव फिर आसा गल क्या आई नहीं तो गल क्या आई गल क्या आई पी तो गल क्या आई पी क्या नहीं है मशीन जो आना तू मंगल तैयार कर तुरा मंगल तैयार है चाचू हूं दूरा क्या बाइक का बैठना है स्कूटर पर ठंडी क्या है ठंडी उड़ने है ना आने मर दे आचू ठीक आचू तो भाई मैं चलता जगह रोज रखना ठीक है तो आचू तो देखिए सीधा क्या रखा था नल क्या भाई। तो दोस्तों अभी निकल रहा हूँ मैं जल्दी में हूँ थोड़ा सा, नहीं तो चाचू से और बात करवाता आपकी, चाचू बाय कर दो बाय। ठीक है बाय बाय। तो फाइनली अब कॉल आई थी मेरे को जो के ऑर्डर वाले हैं ना, तो पल्लू ने जो था ऑर्डर बुक किया कराया होगा कुछ तो कुछ, तो 504 रुपये का जो के पार्सल था तो वो आ चुका है। बबलू ने कॉल की थी मेरे को, मैंने बबलू को बोला कि भाई मैं पीछे हूँ अभी तक बहुत दूर हूँ, आप उनको जो है वो कैश दे दीजिए तो मैं आपको दे दूँगा। तो भाई चलते हैं कहीं जाके। फाइनली मेरा यहाँ पर पहुँचना हुआ अपने बबलू की शॉप पर, तो ये आ गया हूँ और यहाँ पर जो है अभी पार्सल जो है पार्सल आ चुका है, तो पार्सल जो है लूंगा इनसे और अपने घर में चलूंगा। और राकेश जी की जो रिटायरमेंट है ना, तो उसका जो टेंट वेंट वाले डेकोरेशन वाले जो चल रहे हैं तो उनके साथ चलेंगे। तो बबलू से जो है मैं अभी कर लेता हूँ अपना रिसीव, जो कि हमारा पार्सल आया वो था, तो पल्लू ने पता नहीं क्या मंगवाया था ये मुझे भी पता नहीं है, उसने बोला कि पल्लू के पास चाहिए है, तो फिर उसके बाद जो है लेता हूँ उनसे। आ गया, आया आ गया,
तो गाइस ये रहा पार्सल। तो गाइस अभी जो है अभी मेरे मित्र यहाँ पे पर मित्र मिल चुके हैं, मित्र या भाई बोल सकते हैं, बड़े भाई करमचंद भाई जी, तो बात करेंगे आगे। ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर करे काम कार, करे काम कार ठीक ठाक है, काम नड़ाया पूरा ठीक है ना भाई। फसल बाड़ी ठीक ही, फसल बाड़ी चली हुई, फसल बाड़ी ठीक है, कणक ठीक ही, ठीक है दोस्तों, ठीक है फिर बाय बाय। हेलो हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय ठीक है सुना मेरे को। और दोस्तों अभी देखिए राजू भाई हमारे आ चुके हैं, ये भी बेचारे पेंटर हैं हमारे, पेंटर भाई साहब जी, तो ये हमारे बड़े भाई जो हैं भाई, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं आजकल हमारे। कहाँ लगे आजकल? बोटा लगे हुए जी, बोटा में। तो हमारे गांव में समय सैम भाई के घर में कब आएंगे? आ जाएंगे जी। कितने? दो चार दिन तक। आइए आइए राजू भाई, मोस्ट वेलकम आपका उधर है, मिलेंगे फिर उस दिन आपके साथ ना। ठीक है, रिटायरमेंट तो मैं आना होगा कल परसों राकेश भाई ने बोला तो होगा, पक्का आना पक्का। ठीक है ओके। क्या कर रहा है? हेलो हाय हाय गाइस, और ठीक हो? तो क्या कर रहे हो? खाने का तो भैंस के लिए खाने का उबाल रहा है ये, और साथ में दोस्तों जो के पार्सल लेके आया हूँ। ये आई पल्लू, देखिए पल्लू बहुत खुश है। हेलो हाय, खुश हो? हैं हाँ, कब से कॉल कर दी थी भाई ने। तो गाइस ये देखिए कोटी मंगा कर, दो कोटियाँ आ गई हैं। तो ठीक है भाई, खुश हो गई हैं? खुश बिकू नाराज है, बिकू बोल रहा है मुझे नहीं बुलाया कुछ। शर्मा टेंट हाउस वन टू हमारे भाई, तो अभी जो है अभी जो कि डेकोरेशन का काम चला हुआ है ना, तो वो आपको दिखाते हैं स्पेशली जो कि परसों की रिटायरमेंट है ना, तो उसके लिए जोरदार तैयारियां चली हुई हैं हमारे इधर, तो अभी आपको वहां लेके चलेंगे। नहीं थे तो पता नहीं अपने शॉप पे गए होंगे, मेरे ख्याल से अपनी बात करेंगे। हम जब भर्ती के लिए जाया करते थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, चाहे इसमें से आप केस को भी शामिल कर लीजिए तो कितनी खुशी होती होगी। तो अब जो है भाई या 24 साल जो भी उन्होंने लगाए होंगे, तो देखिए फिर एंड में दुख भी होता है ना दोस्तों कि हम अपने सभी साथियों को छोड़ के आ रहे हैं। सबसे पहले जब हम भर्ती होते हैं या किसी भी आप चीज़ में जब हम दूर जाते हैं ना, तो कम से कम भी 5-5-6-6 महीने बाद जो हम छुट्टी मिलती है, तो हम भी घर वालों को याद करते हैं। वैसे ही अब अपने जितने भी उनके फ्रेंड होंगे, जितने उनसे जूनियर सीनियर जो भी होंगे, तो उनका बिछड़ने का तो दुख होता है, लेकिन चलो हम आगे की ज़िंदगी, अब जो कि हमारे केस भाई जी अब यहाँ रहे हैं ना, छोटे भाई हमसे छोटी हैं, तो उनके लिए हम यही कहेंगे कि आगे की ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी से व्यतीत करें अपने घर में, या कहीं दूसरी जगह पे आप जॉब करेंगे या कोई भी आप प्रोफेशनली काम ले लीजिए, किसी भी काम में ले लीजिए आप चाहे, तो उसमें जो है ठीक ठाक से रहें बेचारे। वो आ गई है, तो मैं सोच रहा था मैं जाऊँगा, तो ये आ गई है, तो अब देखता हूँ क्या बोलते हैं कि काम जो है पूरा दिन आप चाहे लगाए रहें, फिर भी काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। 5:30 बज चुके हैं, तो अभी जो है पशु जो खाना खा रहे हैं, फिर रात भी लंबी होती है ना आपको पता है, तो इसलिए इनको, और ये जो है ना ये झुल जो है उसको पूरा प्रूफ नहीं लेती है, थोड़ी टाइम लेती है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा बस 5 मिनट के अंदर जो है इनको अंदर बांध देंगे। अभी खा लो खा लो। देखते हैं किचन में क्या कर रही है दोस्तों। तो पल्लू को बोला था हरमना ने कि आपने आलू गोभी जो है काट के रखना, और शाम को जो है सब्जी बनेगी आलू गोभी की। तो भी गाइस देखते हैं क्या कर रही है पल्लू। पहुँच चुके हैं आप किचन में, तो किचन में जो है पल्लू काट रही है आलू और गोभी। तो गाइस आज आलू गोभी बनेगी, तो फिलहाल मैं भी कर लेता हूँ जल्दी से अपना नहा धो लेता हूँ, उसके बाद जो है
सब्जी बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्यों बिकू है ना, देखिए ठीक है, आलू गोभी और साथ में अदरक और अपना लहसुन और इस साइड को प्याज, और ये रहा अपना तड़का। तो हमेशा की तरह देसी चूल्हे पे जो है आज बनेगी मेरी आलू गोभी। ये तो दोस्तों आज का जो कि मेरा पूरे दिन का सफर जहां जहां गया वो जो कुछ किया वो आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का होता है अब यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को बाय बाय, टेक केयर, बाय।